राज्य में फिर कोरोना संक्रमण तेज हो गया है तो राज्य की उपराजधानी नागपुर में कोरोना का कहर देखने मिल रहा है। हर रोज 4,000 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं तो रोज कोरोना से 55 से 60 लोगों की जान जा रही है। अब शहर के शमशान घाटों और कब्रिस्तानों का मंजर ऐसा है कि एक ही साथ 5 से 7 लाशें जलती दिखती है तो कब्रिस्तान में कई लाशों को दफनाने के लिए वेटिंग पर रुकना पड़ रहा है। इस समय हम नागपुर के उस शमशान घाट पर मौजूद है जहाँ प्रतिदिन 4 या 5 शव का अंतिम संस्कार होता है या उन शव को सुपुर्दे खाक किया जाता है, लेकिन कोरोना काल में मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ चुका है। ऐसे में नागपुर के शमशान भूमि गंगाबाई घाट पर हम इस समय मौजूद है। जहां हम आपको प्रतिदिन कोरोना से होने वाले मृत्यु का आंकड़ा किस कदर बढ़ रहा है इसका मंजर सीधे शमशान घाट से दिखाते हैं। नागपुर शहर में दिन ब दिन जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जिसके साथ ही में जो है इन संक्रमितों की मौतों का आंकड़ा भी काफ़ी बढ़ गया है। हर रोज जो है 50 से 60 के बीच में जो है कोरोना से लोगों की मृत्यु शहर में हो रही है। आज हम शहर के गंगाबाई घाट पर आए हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि एक ही दिन में मतलब एक ही वक्त जो है कितनी लाशें यहाँ जलती हमें दिखाई दे रही है और ऐसा ये तो लाशें जल रही है लेकिन इसके साथ ही कई लाशें जो है वेटिंग पर है। ऐसा नज़ारा जो है आजकल शहर के सभी शमशान घाटों का दिखाई दे रहा है, कब्रिस्तान का दिखाई दे रहा है क्योंकि कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा तेज़ी से शहर में बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन माइक्रोग्राम खरी के साथ मैं क्षति जलेश में 20 न्यूज़ नागपुर।